जिथे भरा भरा का दुश्मन बनिया बैठा है, चंद रुपया जां फिर जायदाद लई अपना खून ही सफेद हुंदा जा रहा है। उत्थे कुछ अजिहे लोग भी दुनिया के होंगे ने जो उन्होंने लोगों नूं एक सेह दिंदे ने। अजिहा एक ग्रांती जो जिला गुरदासपुर विच ही रहिंदा है, जिन्हां दा घर पिंड दीआं नालीआं नालों घट नहीं है। घर दे विच गरीबी उस दे नाल बीमारी पर खुश हन, क्योंकि वह सारे भरा इकट्ठे रहिंदे ने। घर के जो रोटी बनती है वह भी एको रसोई के बनती है, और उस रसोई की छत में बाजियां ला के खड़ा किया हो। क्रांति सिंह कठुआ विखे गुरद्वारा साहब के 5000 रुपए के नौकरी करता है, ता कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। बाकी दो भरा भी मजदूरी करके अपने परिवार को तोड़ दें, पर सब तो वही गल यह है इन्हों भरावान और उन्होंने घरवालियों के इन्ना कोई प्यार बनया हुआ है कि 15 जी घर की एको छत के थले रेंगे ने। सरकार वालों जो भी स्कीमां गरीबों लिए लागू की गई ने, उन्होंने स्कीमों तो यह परिवार अजे तक वांझा रह गया, क्योंकि किसी भी मौत बार या फिर पिंड के सरपंच ने इन्हों की सार नहीं ली। इतों तक कि जोड़ा राशन कार्ड बनया से वह भी कटा गया। ग्रंथी सिंह वालों दानी सज्जन मदद की गुहार लगाई जा रही है, तो उन्हों का परिवार इस गुरबत भरी जिंदगी तो निजात पा सके। तो बाकी इस परिवार के 13-18 जी रही हैं जी, तो बड़ी मुश्किल गुजारा जी। मैं कठुए ग्रंथी ड्यूटी करदा जी, उस 5000 रुपया मैं मिलता, घर दे भी मेरे बीमार है, तो मैं भी पहला बीमार सी, बड़ी मुश्किल गुजारा जी साडा। बाकी है कि सलूक साडा है कि साडिया जनानियां भी ठीक है, भी बोल चाल नहीं इन्हों का है पोजन की, तो किसी ने साड़ी अज तक मदद नहीं की जी, ना साढ़े किसी ने कोई कोठे की ग्रांट, ना कोई सगन स्कीम वगैरह। लड़कियां मेरिया दोनों की शादी हुई है, अज तक सानू कुछ नहीं जी मिलिया, राशन कार्ड भी कटाया गया साडा, तो हालत तुसीं देख ही ली है भी जितना की भी हैगी है। तो साडी इहो बेनती है कि जिन्नी भी साडी चलो वध तो वध मदद होए जरूर करो, गरीब परिवार हैं जी। हुण 50-60 हज़ार रुपया मेरे घरदियां ते लगा जी, वह भी चुक चुका के लाया, तो वह भी राशन कार्ड कट्टण कारण मेरा वह भी कार्ड नहीं को बनया, जिहड़ा कहिंदे सरकारी होस्पिटलों च चाहे प्राइवेट होस्पिटलों च दवाई फ्री मिल जाती है। सब कुछ मैनू अपने कोलों लै के ये कम करना पिया जी, अज तक किसी ने साडी कोई बांह नहीं फड़ी जी। कोई नहीं आया जी, आते से बस आ गए, फोटो खिंच के लै गए, फिर कोई नहीं, जिते फोटो पईया उत्थे पईया रहन दित्तियां, किसी ने कुछ नहीं सोचा जी। कच्चे कोठे दी ग्रांडा मिलनी ही कुछ नहीं मिलिया जी, अज तक जो मिलिया हों तो की लोड़ जो इस तरह ही हों, जिन्हें कच्चे कोठे ने जिन्हों ग्रांटा मिलिया ने उन्हें वो लेंटर च बैठे ने, तो मैं इस तरह थोड़ा रहना सी जी। नहीं भाजी साढ़े यही कोई गल नहीं है, अं सलूक ना रहने प्रेम भाव करने, बच्चे निके वे सब अपने बच्चे है, अं दू जमीज कोई नहीं यहोजी की है, रल के रहने अं। हाँ जी रल के रोटी बनाई दी है, सारे खवाई दी है, यह नहीं कहना तू नहीं खानी तो मैं बनानी, तू नहीं बनानी तो मैं खानी, रल के बनाई दी, रल के खाई दी है। भाजी की करिए फिर, सरकार दिहाड़ी सुनती नहीं है, ना सरपंच सुनता है, हम जो भी है घर जो आए अं और गुजारा कर लें, अपना बच्चे पालने बस यही है जिम्मेवारी। असं तीन भरा हैं, तो तिना की साड़ी औलाद इतने बच्चे साढ़े रेंदे, अं रल के रेंदे हैं, जो भी तीनों अं कमाने वे सा गुजर हों, तो घर के हालात ताे सामने देख ही लिया। सो थोड़े अगे रिक्वेस्ट है दानीवीर सज्जन अगे प्रशासन अगे कि साड़ी बेनती प्रवान करो, तो साढ़े बारे कुछ सोचो। जिस तरह हम परिवार जो वाधा होंगे परिवार के अक्सर लड़ाई झगड़े होंगे, दराणी जठाणी लड़ पी, भरा भरा बच्चों का लड़ पा, कोई इदा का माहौल नहीं बनया, क्योंकि रसोई भी एक करके अगर जे इस तरह का माहौल बनया हों तो अज असं इतने कट्ठे नहीं होंगे, थोड़े सामने परिवार इकट्ठा नहीं होंगे, सलूक तफाक ना रहन दिया जी, यही एक परमात्मा ने चीज़ है जी साढ़े कॉमन की है कि अं रल के रह रहे हैं। सो बेनती है जी साड़ी कि साढ़े नाल थोड़ा न्याय करो। मैं एक दिन पिंड आया सी, गली लंघ रहा सी, तो ये मैं मिले, तो मैंने कहते भाजी सत श्रीकाल, सत श्रीकाल जी, कहते जब तुम्हारी सेवा करते चाह चू पिया, मैं चाह तो मैं पीनी नहीं, गर्मी काफ़ी, तुम पानी का गिलास पिला दो। तो इन्होंने मैं घर जो अंदर आया, मैं हालात देखे, तो मैं क्या किस तरह गुजारा चलता की सकते पे, ग्रंथी सिंह कहते मैं उत्थे काम करता, वो कहते करता, इन्ना घर बीमारी भी है, गरीबी भी है, पर एक चीज़ वेखन मिली है, तुम भी वेखी है, जो सलूक मिले इन्हों का आपस भरावान का परिवार का, जिस तरह दस रहे भी असं जो ही आता वो गुजारा कर लें, तो इस वास्ते इन्हों के काफ़ी गरीबी है, कोठे के तुम हालात भी वेख ले, छत्त डिगिया पईया, उत्ते तरपाल पाइया पईया, तो इन्हें परिवार को मैं दानी सज्जना समाज सेवी बंद मैं अपील करता भी इन्हों परिवार की
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਕੋ ਹੋ ਸਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੱਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।